हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो आपको नज़र ही आ रहा होगा कि मेरे आज वो इतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि जी रात को फ्रेश ही हैंड हो गया, करोला मैंने अंदर की थी, दोनों महराने बाहर खड़ी हैं, सिटी मेरी यहाँ पे खड़ी थी, इसका फेस दूसरी तरफ था। रात को आया है कोई जाहिल का बच्चा जो आके पिछला क्वार्टर तोड़ा है, पीछे से एम पम्प अंदर से चीज़ें चूज़ें, यानी कि अच्छा भला ना ठोकू लगा गया। सोचा था बड़े से बाद ब्लॉगिंग शुरू करेंगे तो गाड़ी एच एस सी के लिए तैयार जब करनी शुरू करनी है वो करेंगे, लेकिन ये बीच में जी ये ठोका लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो चीज़ें हो गई उन पर रोने से बेहतर है चीज़ों को सही किया जाए। तो अभी चलते हैं जाके गाड़ी की चीज़ें चूज़ें सही कराते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। Oh my God. अच्छा, तो चलते हैं यार, चाबी चुबी में ले आए हूँ। देखो सीधी बात है, चीज़ें फिर होने से या मेरे कोई एक्शन लेने से कुछ भी नहीं होना, क्योंकि जो चीज़ें जानी थी वो ले गया। वो पाकिस्तान है, कोई चीज़ नहीं वापस आती कि मैं कहूँ नहीं मेरी बड़ी हो, कुछ भी नहीं होता। तो चलते हैं। सारा शीशा शीशा गिरा हुआ, रात को गाड़ी का जो फ्रंट था वो इस तरफ था, उस साइड का क्वार्टर इन्होंने तोड़ा है। गाड़ी भी गंदी, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा था, मैं वो अपनी पिछले वाली मेरा आनी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ आजकल। चलो कोई बात नहीं, एक तो टेंशन है पहले इतनी ऊपर से सियाणा सेंटर में गाड़ी लगा के खड़ा हुआ, इसको उतर के जाके क्या हॉर्न भी नहीं सुन रहा, जीप जाहिल अवाम है यार, दिमाग ख़राब हुआ हुआ कहीं ज़्यादा हुआ, मैं स्टूपिड आदमी खड़ा हुआ आगे से। तेल भी नहीं है ज़िंदगी में, जाके तेल डलवाते हैं पहले। ये चेक करें शीशा शीशा पीछे बोल बारे लगा के गया उसने, जाहिल का बच्चा जो भी था। चलो कोई बात, जैसे भाई तेल डलवा लें, टिड लेके खड़ा है जाहिल का बच्चा। जी सर। यार 3,000 का कर दो। 3,000 चला गया, अब देखें जरा इधर क्या होता है। अभी गुड्स को मज़ा आया, क्या तो मैं रेट वगैरह ले आया हूँ पहले, इसकी थोड़ी महंगा निकली है तो शो की भी थोड़ी साथ साथ तैयारियाँ कर लें। सबसे पहले तो जी पहले इसका वो जो किट है वो देते हैं रिपेयर होने के लिए, फ्रंट यन्नी का बच्चा कहाँ ही जा रहा है वो देते हैं। उसके बाद इसके जो पिछले फेंडर हैं जो मैंने रोल किए थे उनको थोड़ा सीधा करते हैं, क्योंकि वो अब मैंने रिम थोड़ा 7, 6.5, 7 इतने जे जे के डाला करना है तो वो बुरा लगता है फिर, फेंडर इतना ना चौड़ा हुआ हुआ, जब अगर कभी दोबारा जेन बना तो प्रोफाइल उस हिसाब से देख के करा लेंगे, बाकी देख। अच्छा, तो भाई सीन ये हुआ है कि पीछे ट्रैफिक, मैं जी ट्रेंट ट्रेंट इसके दिखाए हूँ जो जो हैं अगले दोनों फेंडर में, पिछले दोनों फेंडर जो स्ट्रेट होने हैं वो मैं दिखाए और बताया कि भाई ड्राई डेंट करना है मैंने, पेंट पूंट गाड़ी को नहीं कराना। तो उन्होंने भाई जी कल सुबह का मुझे टाइम दे दिया कि आप मुझे कल सुबह जी 10 बजे गाड़ी दे दें मेरे से, आप ओए ओए गाड़ी ले लें शाम को जी 6-7 बजे। मैंने कहा ठीक है, घर के पास ही है, मैं कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। वो गाड़ी दे के तो अभी हम जा रहे हैं जी शकीला डाउस टॉपिश, ताकि उधर से अपना ये जो कार्यक्रम हुआ है हमारे साथ उसको कर सकें। बाकी जो नुकसान हुआ है, जो चीज़ें गई हैं उनका तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक समय फटीक पड़ गई है, और अब ना इस टाइम अभी इतने पैसे हैं कि मैं वही चीज़ें दोबारा लेके भी इसमें डाल सकूं। लेकिन कोई मसला नहीं है, पहले भी खुद जोड़े थे, अब भी खुद जोड़ के दोबारा कर लेंगे, क्योंकि पता है मैं गाड़ी जो सीधी बात है किस तरह तैयार की है, हमेशा अपने पैसे तैयार किए, ना किसी से कभी पैसे लिए ना कुछ किए, जितने होते हैं उस रेंज में हम चलते हैं। गाड़ी थोड़ा अर्सा रफ भी खड़ी रहे मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं पता है जब पैसे आने हैं तब मैंने लगा के अपनी गाड़ी सेट कर लेनी। तो अब गाड़ी थोड़ी रफ हुई भी थी, ऊपर से साथ एक और काम हो गया, तो मैं कहा चलो ये काम तो हो ही रहा है कि शो भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी सेटमेंट करा के गाड़ी को रियस कर लेते हैं, ताकि ज़िंदगी से टेंशन है कि क्वार्टर हमारा फिट हो गया, दरवाजा दरूजा खुल गया, मेरी भी खुल गई है, रेट रूट देख के सारे
ये फिट करा के चलते हैं और बाकी ये जो डेंटम डूंटम वाला काम है कल पकड़ाते हैं। शीशा हमारा लग गया फ्रेश। देखो और ये चेहरा टेबल वही सीन ये है कि शीशा इसका लग गया। कल अब गाड़ी देनी है छोटे मोटे डेंटिंग के लिए का और साथ कल देनी है वो दोनों भी, वो भी उसके अगले दोनों फेंडर पेंट होने हैं। इसका भी छोटा मोटा काम है, इसका अपनी अली का भी इसके छोटे मोटे काम है और कल इसको देना है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही है क्योंकि सुबह से टेंशन सुबह थी सर पे, कोई काम वूम नहीं हो रहा था। ये काम मसा मसा करा के जाके आए हूँ क्योंकि यार जब मेहनत से चीज़ बनाई हुई है ना उसको कुछ भी हो तो एक दफ़ा बनने का ना दिल टूट गया। तो मैं बड़ा शदीद ना एक अपना डिप्रेशन टाइप में हो गया था। मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं हो जाता ज़िंदगी है। तो बाकी ब्लॉग को हम कर लेंगे कल कंटिन्यू। बाई। अच्छा तो भाई सीन ये कि सुबह में गाड़ी दे आया था लेकिन गर्मी बहुत थी तो मैं कोई वीडियो शूटिंग नहीं बना सका। पहले देनी ये दोनों भी थी मेरा आने की खड़ी है कि अंदर खड़ी है, ठीक है देनी ये दोनों भी थी लेकिन गर्मी बहुत थी तो मेरा इनको निकालने का नहीं दिल किया। सिटी के मैं बीच में भी चक्कर लगा के आता रहा था तो काम उसका हो रहा था साथ साथ। अब चलते हैं जी वापस वर्कशॉप, देखते हैं क्या काम कुम हो गया। काम तो अच्छा कर रहे थे, अच्छा बंदा था, जान पहचान वाला था, काम अच्छा कर रहा था। जाके देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो। हाजी का होंडा हमारे पास है और होंडे तो बोंडा कोई सीन है। ये वाला फेंडर अपना हो गया ऑलमोस्ट पूरा ओके। पीछे वाले फेंडर अपनी जगह पे आ गए। बैक टू अपनी जगह, गाड़ी पर दुल्ली होती और अगला फेंडर रह गया था वो भी वही करने लगे हैं बिग वर्क। तो वो सीन ये है भी ड्राई वेंट निकल रही है, सीन ये भी ड्राई वेंट निकाल रहे हैं ड्राई वेंट, ये बत्ती मार मोड़ के फुल एकदम। तो भाई सीन ये है कि गाड़ी हमारी ये हो गई कंप्लीट, मैं रहने अपनी दोनों इधर आ गई, उनके काम शुरू हो गए हैं। ये इसका ही ज़्यादा काम है, उसका तो छोटा सा काम है वो अभी मैं वो करा के सिटी की अगली किट रिपेयर करा के इसको और अपनी खाली जानी फॉर यू वाली मेहरान को हम लेके वापस घर चले जाएंगे और sukoon.com। इस दिन की मेहनत के बाद जनाब ने टाइम दे दिया कि आप वो कहते हैं किट रिपेयर कर देते हैं, आप किट रिपेयर होती है फिर सुकून मॉल घर चलते हैं, मेहरान हमने दे दी अपनी। अच्छा तो भाई सीन अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है जी गाड़ी के जी सारे काम सारे जो नुकसान हुए थे या जो जो मसले थे वो सारे कंप्लीट हो गए और हल्की सी चोट भी लागी उंगल पाट की पूरी लेकिन कोई मसला नहीं, जिंदगी है होता रहता है। सामने बच्चे खड़े हुए थे, ये सामने बच्चे खड़े हुए सामने।